वी शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ डेथ. मौत इस दुनिया से आजाद कर देगी, इस दुनिया के गमों से आजाद कर देगी आपको. और मेरी असल जिंदगी मेरे मरने के बाद है, और मेरा असल खुशी मरने के बाद है. ये सब टाइम ये बेस लाइन है कि हमने मर जाना है एंड इट इज ऑल फाइन. वी शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ डेथ. मन अहब लिखा अल्लाह अहब अल्लाह लिखा हो. जो अल्लाह उसे मिलने के लिए उतावला होता है, बेकरार होता है, अल्लाह भी उसे मिलने की मोहब्बत रखता है. वमन करह लिखा अल्लाह करह अल्लाह लिखा हो. जो अल्लाह से मिलने के लिए मकराहत रखता है ना, अल्लाह भी नहीं मिलना चाहता उससे. सो यू शुड नो दैट मौत इज नथिंग टू बी स्केर्ड. मौत इस दुनिया से आजाद कर देगी, इस दुनिया के गमों से आजाद कर देगी आपको, गमों के पेन से आजाद कर देगी, लोगों से आजाद कर देगी, मौत कर देगी. शुड बी स्केर्ड अबाउट मौत. वबास बादल मौत जो है, जो मौत के बाद उठाने के सारे प्रोसेसेस हैं, वो हमारा बेस लाइन अकीदा है. कबर, महशर, जन्नत, जहन्नम, यौमुल हिसाब, ये मुसलमान के बेस लाइन से नहीं माइनस हो सकता. वो अमेरिका जाए, वो साइंटिस्ट बने, वो डॉक्टर बने, वो शादियां करें, वो बिल्डर बन जाए, वो बिजनेसेस करे, वो तिजारतें बनाए, वो दुनिया का बड़ा टाइकून बन जाए, ये बेस लाइन से नहीं हट सकता आपका. इसको सामने रख के आपने लाइफ के फैसले करने कि आई हैव टू डाई वन डे, आई हैव टू प्रेजेंट माई प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, एंड आई हैव टू शो माई एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंसेस टू अल्लाह सुबहान तआला, मैंने जिंदगी के साथ क्या किया. ये माइनस नहीं हो सकता, ये मंडलाता रहना चाहिए ऊपर भी और अंदर भी. लोगों को थोड़ा सा अपनी जिंदगी से आजादी मिलती है, दुखों से आजादी मिलती है, लोगों से आजादी मिलती है, अपॉर्चुनिटी से आजादी निकलती है, वो ये भूल जाता है अपना. ये नहीं भूल सकते. यू कैन नॉट फॉरगेट द बेसिक फैक्ट, भाई मैंने मरना है और मेरी असल जिंदगी मेरे मरने के बाद है, मेरा असल गम मरने के बाद है, और मेरा असल खुशी मरने के बाद है. ये सब टाइम ये बेस लाइन है.